कहना चाहती हूँ महिलाओं को, अगर आप शिक्षित नहीं होइएगा तो फिर समाज कैसे शिक्षित होगा। आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चे को शिक्षा देने के आप ना थी कीजिएगा, ना हम करेंगे ना टीचर, पहले है गार्जियन। आप स्कूल भेजिएगा तब तो बच्चा जाएगा, बच्चा शिक्षित क्यों नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। आप नहीं ध्यान देते अपने बच्चों पर, आप ध्यान दीजिएगा, बच्चा जाएगा स्कूल तब ना होगा शिक्षित होगा, मेरा समाज शिक्षित होगा तब बिहार शिक्षित होगा। इसीलिए आप अगर ग्राम सभा हमारे लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, समाज के सहयोग एकजुट होने के बाद भी कोई काम होता है, ना कि सिर्फ हम अकेले काम नहीं करेंगे। अगर आप पर हमको बनाए हैं तो सहयोग भी आप ही ना कीजिएगा कि हम अकेले कर पाएंगे नहीं ना। हम अगर आप ग्राम सभा लगाते हैं, आप आइएगा, जानकारी लीजिएगा, सुनिएगा, अपने बच्चे को बताइएगा, अपने परिवार को जो नहीं आए उसको भी बताइएगा। आप पर कहते ये नहीं होता, वो काम नहीं होता, देखिए अभी आए यहाँ पर कोई आत्मा जनता नहीं आया, कितना कम से कम बताइए, 8000 आदमी जनता है कम से कम बताइए, उसमें मात्र 1000 भी जनता नहीं है। आइएगा तब ना जानकारी मिलेगा आपको, पूरा पूरा जानकारी। अगर जब तक पूरा जानकारी आप पर को नहीं होगा तो आप कोई भी हो कैसे आप पर लीजिएगा उसका लाभ, इसी बात पे ग्राम। और बच्चे का सबसे पहला पाठशाला उसका घर होता है, अगर आप लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चे का उसको स्कूल नहीं भेजेंगे समय से, तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी सिस्टम आपका सुधार नहीं कर सकती है और नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा एक